हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्पाइस इंडिकेट। आज सुबह हम उठे 5 बजे, थोड़ी देर हमने की पढ़ाई के बाद मैंने सोचा कि रनिंग करने चला जाता हूँ, तो हमने कर दी रनिंग की तैयारी स्टार्ट। और फिर ये शूज़ पहन के हम निकल जाएंगे रनिंग के लिए। सो सी यू गाइस। आज का दिन बहुत बिजी है, रनिंग से आने के बाद हमें जल्दी जल्दी कोर्ट भी जाना है। कोर्ट में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की है, अभी 1 वीक ही हुआ है, तो धीरे धीरे व्लॉग्स भी रेगुलर आने लग जाएंगे, डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स। तो अभी बनाना सीख ही रहा हूँ, नया नया चैनल स्टार्ट हुआ है, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप शेयरिंग आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। तो मैं रन जाता हूँ अपने खेतों की तरफ, तो 8 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ डेली। सुबह का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही फ्रेश एयर है। तो रनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं मिला अपने डॉग से, ये हमारे खेतों में रहते हैं ये सारे डॉग्स, इनको मैं डेली खाना खिलाता हूँ, सो दे काइंड ऑफ लाइक मी। और जब भी मैं जाता हूँ तो मेरे आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। फिर हम आराम से घर वापस आए, रास्ते में 2 ट्रैक्टर खड़े थे, इनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था शायद। फिर मैंने घर पे आके दी गाय को रोटी, ब्रेकफास्ट करने से पहले हमेशा मैं गाय को रोटी खिलाता हूँ। फिर मैंने किया अपना देसी ब्रेकफास्ट, रायता, घी, लस्सी, चटनी बनी हुई थी, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी था। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हम जाएंगे कोर्ट में। मैं पहुंच गया हूं अपने चैम्बर में, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंटर्नशिप। सुबह के 10 बजने वाले हैं, हमारे वकील अभी आए नहीं हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ। कोर्ट का काम ख़त्म करने के बाद 4 बजे मैं आ गया वापस घर पे। घर पे आ किया मैंने लंच, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, सब्जी है, पेठे की सैलेड है, लस्सी है, बहुत ही टेस्टी लंच था, बहुत ही फीलिंग था। थोड़ी देर करेंगे रेस्ट और उसके बाद जाएंगे खेत में घूमने के लिए। शाम को आ गया मैं खेत में घूमने के लिए, कितना प्यारा व्यू है, मज़ा आ गया। खेत से आने के बाद मैं गया मोमोज़ लेने के लिए, मोमोज़ पैक करा के लाया, मैं भी खाऊंगा, मम्मी को भी खिला दूंगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं यार। आपको भी मोमोज़ पसंद है क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना। मोमोज खाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी लॉ की, और आज तो यही होगा। बाय बाय गाइज़।